roughly 200 days remaining for TISNET 2024 examination. How to prepare month wise, week wise, complete planning I will be giving you in this video. So ye video काफी ज्यादा important होने वाला है. Watch this video very carefully if you really want to hit 80 plus out of 100. Okay, so July का first week over हो गया है. So July के अंदर अपने पास roughly 20 days का time बचा हुआ है. After that August से लेके December तक का time, ठीक है. एग्जाम मोस्टली जैन या तो फैब मंथ में होगा. लास्ट टू ईयर से फैब मंथ में हो रहा है तो अपन समझ के चलते हैं कि हाँ फैब मंथ में अपना एग्जाम होगा, तो जैन मंथ का भी टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, ठीक है. सो जुलाई से लेकर टिल जैन मंथ तक कैसे पढ़ना है आई विल बी टॉकिंग दिस वीडियो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so before we proceed, 24 and 25 को लेके we have launched batches at our all the center, Dadar, Borivali, Vasai and Thane. If you are Mumbai based, you can visit our center, but if you are not Mumbai based, online live classes, you can contact our team on this number. This is what the complete teaching curriculum which you will be getting for your preparation. So whichever courses you are targeting, irrespective of the campuses, उसमें cut off या score क्या required है, ये अपने को पता होना चाहिए. And campus का photo निकालो और क्या score लगेगा, ये आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए. इफ़ यू रियली वॉन्ट कि भाई मैं अपने टारगेट अपने गोल के नियर बाई रहूँ, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्रैक टेस्टनेट, और वो एम्बियंस आपको बना के रखना पड़ेगा आपके गोल का, आपके टारगेट का, ठीक है. ऑलराइट, सो द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, स्टार्ट विद दिस, जो जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें चालू कर दो, ठीक है. सबसे पहले न्यूज़पेपर रीडिंग विदाउट फेल आपको द हिंदू या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, अगर आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है तो इंडियन एक्सप्रेस, अदरवाइज द हिंदू. द हिंदू इज़ द टफेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया. इसका पेज वन पढ़ना है जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, हॉट न्यूज़ एंड एडिटोरियल पेज. एडिटोरियल पेज इसलिए पढ़ना है कि हर न्यूज़ को लेकर के पॉइंट ऑफ व्यू होता है ऑथर का, नंबर वन. नंबर टू, अपने इंग्लिश भी अच्छी होगी, ठीक है. तो ये अपने को स्टेज टू में भी काम आएगा एडिटोरियल का, जो ओवरऑल आप जो एडिटोरियल पढ़ रहे हो, ठीक है. मैथ्स में स्पीड मैथ्स का वीडियो देखना है आपको, लॉग इन करना है मैनुअल के डैशबोर्ड पे, वहाँ पे स्क्वायर क्यूब फ्रैक्शन सबका टेबल दिया हुआ है. 1 to 30 तक का मुझे स्क्वायर पता होना चाहिए, टेबल मुझे 1 to 20 तक का पता होना चाहिए, क्यूब 1 to 20 तक का मुझे पता होना चाहिए. ये मैंडेटरी है जो आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है. तो करना क्या है, वीडियो देखो और ये जो भी स्क्वायर क्यूब है टेबल है इसको पीस ऑफ पेपर पे लिखो, टेबल स्क्वायर एंड क्यूब, एंड स्टिक ऑन द वॉल वेर यू स्टडी. सुबह में 10 मिनट चाय कॉफ़ी के साथ रिवाइज करो एंड शाम को बिफोर यू गो ऑन योर बेड रिवाइज करना अपने को. सो रट्टा मत मारना, इस तरह से अगर आप रिवाइज करोगे तो एक महीने, सो विद इन अ मंथ काफ़ी डेटा याद हो जाएगा और जल्दी आप भूलोगे नहीं, दिस इज वॉट द बेस्ट पार्ट. फ्रैक्शन 1 to 20, सो लाइक 1/2 इज 50%, 1/3 इज 33.33%, 1/4 इज 25, 1/5 इज 20%, लाइक वाइज, ठीक है. ग्रामर के सारे रूल्स पता होना चाहिए, बेसिक ग्रामर, वर्ड पावर मेड इज भाई आज से ही चालू कर दो, वो कैब वाले क्वेश्चन आते हैं. टिस के अंदर ये वो कैब आया था टैसिटन, मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ टैसिटन, और इसका एक एंटोनियम भी चाहिए मुझे. सो जितने लोगों को पता है कमेंट में लिख के बताओ. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली बेसिस पे एक एक आरसी सॉल्व करना है, मैनुअल के बुक में आरसी दिया हुआ है, प्लस आपके डैशबोर्ड पे जब लॉग इन करोगे सो यू विल गेट 500 क्वेश्चन का हैंडआउट, डाउनलोड करो एंड गो थ्रू इट. स्टैटिक जीके, भाई स्टैटिक जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, देखो स्टैटिक का 20% वेटेज है, करंट अफेयर्स का 20% वेटेज है. सो ओवरऑल जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन आप पकड़ लो स्टैटिक के, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, या 18 से 20 क्वेश्चन रफली ये रेंज रहेगा आपका. तो स्टैटिक इज वास्ट, तो जितना हो सकता है फटाफट कंप्लीट करो स्टैटिक पार्ट, ठीक है. ओवरऑल अपने को 20 घंटे पर वीक पढ़ना है, 450 घंटे चाहिए अगर अपने को टिस्नेट क्रैक करना है तो, टिस्नेट 2024. तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को. ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होगा सो वापस से रिवाइंड करके देख लेना, ओके. ऑल्सो डू टेल मी कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन द सेम. अगर रिलेवेंट रहा मेजर लोग की वही प्रॉब्लम रही तो 24 को लेकर, टिस्नेट 24, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वांट. क्वांट के अंदर अरिथमेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है. उसके बाद आपका अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन, ट्रिगो, नंबर, मॉडर्न मैथ्स एंड डीआई, ठीक है. देखो यहाँ से लेके अप टू हेयर क्वांट, यहाँ से रफली 21 से 22 क्वेश्चन आएंगे, डीआई से 5 to 6 क्वेश्चन. लास्ट ईयर डीआई में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है. बाकी 2 से 3 क्वेश्चन आप लॉजिक का पकड़ सकते हो, ये आपका ब्रेकअप है. तो अगर आप भाई मैथ्स में वीक हो, 10th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था या 12th के बाद मैथ्स छोड़ दिया था, या तो यू डोंट लाइक टू सॉल्व मैथ्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम मैथ्स को लेकर के,
आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा, देर इज नो वे आउट, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि आप पूरा नहीं करो, बट आपको जिसका वेटेज टॉपिक जिस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है उस पर तो एटलीस्ट काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा एडवाइस है सबसे पहले अरिथमेटिक एंड डीआई, इसको मिला लोगे तो रफली यहाँ से 8 to 10 क्वेश्चन और ये 5-6 मतलब 12, 13, 14 क्वेश्चन रफली आप राइट कर पाओगे। उसके बाद आप नंबर और ये दो टॉपिक पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ मैथ्स के अंदर पहले आपका फंडामेंटल अच्छा करो और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस। आपके मैनुअल के बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कम से कम 2 टाइम्स, एक बार से नहीं होगा, हाँ एक बार आपने सॉल्व कर लिया या मेरा पढ़ के हो गया ऐसा नहीं होता है, आपको कम से कम 2 टाइम्स मैक्सिमम 3 टाइम्स, 3 बार किया तो और अच्छा है, मतलब क्वेश्चन का टाइप से लेके वे ऑफ सॉल्विंग सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। मैं रट्टा मारने नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैथ्स के अंदर आपको सेम टाइप का क्वेश्चन मल्टीपल बार करने से ये फायदा होगा कि आपको क्वेश्चन का टाइप एंड कैसे सॉल्व करना ये पता होगा। एग्जाम में ऑब्वियसली नंबर चेंज होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इंग्लिश अगर आपके रीडिंग ख़राब है तो भाई इंग्लिश में स्कोर नहीं आएगा, वोकैब पे आपने काम नहीं किया है तो भूल जाओ स्कोर का, ग्रामर पे काम करना पड़ेगा एंड वर्बल पे। सो इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग नंबर 1, सेकेंड वर्किंग ऑन द वोकैब एंड थर्ड इज नथिंग बट द ग्रामर पार्ट, बाकी वर्बल वाले सारे टॉपिक आपके आराम से हो जाएंगे। तो वोकैब को लेके मैंने वर्ड पावर मेड इजी ऑलरेडी बताया हुआ है, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। आरसी को लेके मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैनुअल की बुक एंड आपके डैशबोर्ड पर लॉगिन करो, 500 क्वेश्चन है उसको गो थ्रू करना है। ग्रामर को लेके मैनुअल के डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स हैं, पहले वो गो थ्रू करो एंड वीडियोज़ हैं, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जीके, टफेस्ट सेक्शन फॉर मेजर एस्पिरेंट। स्टैटिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सारे टॉपिक एंड करंट अफेयर्स। तो हिस्ट्री को लेकर, सो स्टैटिक को लेके वीडियो एंड हैंडआउट्स दिया हुआ है ऑन योर पोर्टल, एंड करंट अफेयर्स को लेकर भी हैंडआउट्स एंड वीडियोस, काइंडली स्टार्ट गोइंग थ्रू इट, ठीक है। एंड लास्ट में लॉजिकल रीजनिंग, देखो यहाँ पे पढ़ना ज़्यादा है और स्कोर मतलब और जो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो बहुत कम आएंगे, मतलब वेटेज बहुत कम है, 2 से 3 क्वेश्चन पकड़ लो, लकी रहे तो 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आप पकड़ लो यार, ठीक है, सारे एरिया से। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल लॉजिक, वर्बल क्रिटिकल में अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, एनालिटिकल से आपका लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो इतना लोड नहीं लेना, इसलिए इसको लास्ट में भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट पे, इसको तो पॉज कर लो, इसका प्रिंट आउट ले लो एंड ये हिसाब से आपकी पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है। जुलाई से इतने लोग चालू कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो में थोड़ा सा लेट भी देख रहे हो तो उसके हिसाब से आपकी पढ़ाई को आप स्ट्रेटेजाइज कर लेना, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये टॉपिक आपको जुलाई एंड अगस्त ये 2 महीने में ख़त्म करने हैं, अरिथमेटिक के ये सारे टॉपिक, ठीक है। सो वेदर यू आर मैनुअल स्टूडेंट, वेदर क्लासरूम और लाइव, या तो आप खुद से पढ़ रहे हो, पहले अरिथमेटिक पे फोकस करो। सेकेंड इंग्लिश में देखो, न्यूज़ पेपर रीडिंग तो मैंने बोला ही है, कॉम्प्रेशन प्रैक्टिस भी बोला है, वर्ड पावर मेडिसिन ग्रामर, ये मतलब आपको डेली बेसिस पे करके ख़त्म करना है। बाकी इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, पैराग्राफ जंबल हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, वोकैब वाले क्वेश्चन, आपको अगस्त मंथ का टाइम लेना है, इंग्लिश पूरा ख़त्म कर देना है, ठीक है। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप इंग्लिश के सारे वीडियो मैनुअल के डैशबोर्ड पे देख लोगे एक बार तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब पूरा पढ़ के हो जाएगा और जब भी आपके लेक्चर होंगे तो आप रिवाइज़ करोगे इंग्लिश, ओके। सो आई वॉन्ट अगस्त मंथ तक अपना इंग्लिश का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लो आप, ठीक है। बाकी आपका कंटिन्यूस चलते रहेगा न्यूज़पेपर रीडिंग और वर्ड पावर मेड इजी, ये आपका 2.5 महीने में आराम से कवर हो जाएगा, मतलब मोस्टली आप सेप्टेम्बर तक ख़त्म कर दोगे वर्ड पावर मेड इजी। स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड पॉलिटी वाले टॉपिक, तो ये आपको ख़त्म करना है अगस्त मंथ तक। करंट अफेयर्स टिल मे मंथ, इसको लेके हैंड आउट्स एंड वीडियो दिया हुआ है, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज एंड हैंड आउट्स। तो इतना काम अपने को अगस्त मंथ तक कंप्लीट करना है। तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ूँ कैसे, मैं कितना पढ़ूँ, कौन सा सेक्शन पढ़ूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ूँ, मैंने सब दे दिया यहाँ पे, अब मेहनत आपको करनी है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना है, मतलब प्रिपेयर भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है एंड टॉपिक टेस्ट भी लिखना है, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, हर महीने में एक फुल लेंथ मॉक लिख दो। आपके मैनुअल के पोर्टल पे देर आर 25 मॉक टेस्ट दिस ईयर, एवरी ईयर वी लॉन्च, इनफैक्ट अभी तक आपके 4-5 मॉक आए रहेंगे, एक बार देख लेना, ठीक है। ग्रेजुअली सारे मॉक लॉन्च होंगे, ओके। तो अभी जितने भी मॉक अवेलेबल हैं पहला मॉक लिख डालो, जुलाई मंथ में 1st मॉक, 2nd मॉक अगस्त में,
ठीक है, ग्रेजुअली मॉक लिखने से ये फायदा होगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन अभी तक कितनी हो गई, मेरा कितना स्कोर आ रहा है, और एंड ओवरऑल पेपर एंड सेक्शन वाइज आपको आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आएगा। तो जो आपको झटका, जो आपका दिल टूटने वाला है लास्ट में, वो पहले टूट जाए, आई एम ओके। सो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा कॉशियस होके पढ़ाई करोगे, आपको पता होगा मुझे कहाँ पे मेहनत करना है और कहाँ पे मुझे मेरे स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, सेप्टेम्बर अक्टूबर मंथ में आपको नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, ज्योमेट्री ख़त्म करना है। ठीक है, मेजर टॉपिक अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएंगे अपने, करंट अफेयर्स सेप्टेम्बर मंथ तक, स्टैटिक जीके पूरा ख़त्म कर देना है अक्टूबर मंथ तक, मतलब अक्टूबर तक आपका स्टैटिक जीके हो गया। उसके बाद इफ़ यू वॉन्ट टू डू मोर स्टैटिक जीके तो लूसेंट की एक बुक आती है, रेफरेंस बुक, यू कैन रिफर दैट बुक। ठीक है, अलजेब्रा लॉग प्रोग्रेशन इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाला पार्ट जो है, ठीक है, तो ये काम आपको ख़त्म करना है अक्टूबर मंथ तक। ठीक है, तो मेजर पढ़ाई हमारी अक्टूबर मंथ तक हो जा रही है। इन एडिशन टू दिस, पर मंथ 2 मॉक टेस्ट वी हैव टू राइट फुल लेंथ। ठीक है, और डेफिनेटली आपका अक्टूबर तक तो डिसेंट स्कोर आना चालू हो जाएगा, मतलब 50 प्लस या तो 60 प्लस आप जाना चालू हो जाने चाहिए, या रफली 50 से 60 के बीच में आप रहोगे। ठीक है, नवंबर दिसंबर में 4 मॉक पर मंथ। ठीक है, और DI आपको 2 महीना है ख़त्म करना है अच्छे से, करंट अफेयर्स पूरा ख़त्म कर देना है। ओके, मतलब जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स आप फैब में कर लेना, लेट्स सी डेट क्या आती है, बट हाँ दिसंबर मंथ तक हम कर ही सकते हैं जितना भी डेटा अपडेट होगा आपके पोर्टल पे। ओके, सो आइडली 1 महीने पहले का करंट अफेयर्स का डेटा मिलता है, फॉर एग्जांपल फैब चल रहा है तो आपको जैन का डेटा अपडेटेड मिलेगा फैब मंथ में, फैब का डेटा मार्च में करंट अफेयर्स को लेकर के। ठीक है, बाकी लॉजिक में ट्रेडिशनल लॉजिक, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, तो भाई ये लास्ट में करेंगे हम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मेरा फोकस पहले इस, ये प्रायोरिटी मेरी पहले रहेगी और ये मैं लास्ट में फोकस करूँगा। ठीक है, बट अगर आपके लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक पहले ही कवर हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ते जाओ, इट इज़ अ पार्ट, और पूरा मतलब तो बाय डिफॉल्ट आपके सारे टॉपिक होते जा रहे हैं ग्रेजुअली। ओके, आफ्टर देन जैन एंड फैब मंथ, ये जो टाइम है वो मॉक लिखने का है फुल फ्लेज में, सारे मॉक खत्म करने हैं, स्ट्रॉन्ग वीक सेक्शन पे काम करना है आपको, रिविजन, मॉक टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, एनालिसिस, मेजरली इस पर काम करना है। मतलब यहाँ पर हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, मतलब पढ़ाई करके अपना हो गया पूरा अच्छे से। सो वंस अगेन गाइज, जो भी कैंपस में आपको जाना है जो भी कोर्स को लेकर के, कैंपस का फोटो निकालो एंड स्कोर अपने को पता होना चाहिए, एंड सेट योर गोल, सेट योर टारगेट फॉर दिस। ओके, एंड स्टेप वाइज प्रिपरेशन करोगे वुड बी बेटर। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।